अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। गुलबर्गा हेडलाइन से एक्सक्लूसिव लाइव जब्बार भाई के साथ अपडेट देंगे। जब्बार भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं अब्दुल जब्बार सालेहन टूर एंड ट्रैवल्स का पार्टनर हूं, लिहाजा मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप मेरे इस इतला को बग़ौर मुताला फरमाएँ। हम लोग एक इतला दिए थे कि भाई जुम्मा तक होगी तदफीन या जुम्मा के बाद असर में होगी, असर के बाद या मगरिब में होगी, लेकिन कुछ वजूहात ऐसे आ गए हैं सऊदी क़ानून के मुताबिक वो काम नहीं हो सका। इंशाल्लाह आज जुम्मा तातील होने की वजह से नहीं हुआ या कल हफ्ता तातील होने की वजह से नहीं हो रहा है। इंशाल्लाह हम इस कोशिश में लगे हुए हैं कि आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी कोशिश को अल्लाह ताला कामयाब करे। आप दुआ फरमाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस बात को आप शेयर कीजिएगा कि हमारी जो भी इतला आएंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब रही सवाल, जो लोग गुजर गए हैं उनकी तदफीन के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जन्नतुल बकी के लिए इंशाअल्लाह 100% काम होने की तवक्को है। साथ में जितने काम कर रहे हैं हमारे जो गुलबर्गा फेडरेशन के लोग हैं वो सब भी हमारे साथ, सब मामिनीन हैं हमारे, बहुत हमारा साथ दे रहे हैं, हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। आप लोगों को जो भी हमारा न्यूज़ सुन रहे हैं उनसे एक ही हमारी गुजारिश है, आदिबाना मौजीजाना दुआ कीजिए कि तमाम लोग जो गुजर गए हैं उनकी जो है ना उनकी जो कोशिश में लगे हैं उनकी कोशिश को अल्लाह ताला कामयाब बनाए। और दूसरी बात, जो लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं उनकी सेहत याबी के लिए दुआ फरमाए और जो गुजर गए हैं उनके हक में मगफिरत की दुआ फरमाइए। और जन्नतुल बकी में इंशाअल्लाह कोशिश जारी है, अगर हो गया तो हम जन्नतुल बकी में यानी उनकी तदफीन के लिए तमाम मरहले से और तमाम कार्रवाई से यहाँ के लोग गुजर रहे हैं। हम नफसा नफीस किसी का नाम नहीं ले सकते, यहाँ के लोग हर वो चीज़ से हमारा कोऑपरेट कर रहे हैं, हम उनके तमाम के ममनून व मशकूर हैं। मैं इतना कहते हुए हमारी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।